कितनी फीमेल, फीमेल एग्जीक्यूटिव किसी पोस्ट का नाम होता है, क्या होता है? अब हो सकता है एग्जीक्यूटिव की जगह लेके आ जाए इंजीनियर, टीचर, यहां मेल आ सकता है, समझ में आया? तो ये पूछ रहा है फीमेल एग्जीक्यूटिव, आपके लिए इस क्वेश्चन में सिर्फ ये वर्ड है, आपने एग्जीक्यूटिव को अंडरलाइन कर लिया और फीमेल को, ये ढूंढने हैं, फीमेल होनी चाहिए और एग्जीक्यूटिव होनी चाहिए, क्या होना चाहिए? आ जाओ इसमें, ये किसके लिए है? यहां से ये सर्कल, ये स्क्वायर किसके लिए है? टेक स्टाफ, क्या है? इस स्क्वायर में जो लोग बैठे हैं वो कौन है? टेक्निकल स्टाफ से, क्या है? हम पेपर में सब कुछ सामने ही होगा आपके, आपको बस क्वेश्चन करना है, मैं सिर्फ लिख रहा हूं चीजें, इंफॉर्मेशन कॉपी कर रहा हूं यहां से। अच्छा ये क्या है सर्कल में, क्या है? फीमेल्स है, क्या है? फीमेल्स है। और देखो हो गया, ये क्या है? ये एमबीए, और ट्रायंगल ये कौन है? एग्जीक्यूटिव। ये देखो फीमेल एग्जीक्यूटिव कहाँ है, मतलब हमें एक तो सर्कल देखना है और ट्रायंगल देखना है, सर्कल और ट्रायंगल में हमने ये देखना है ज्वाइंट रीजन कौन सा है, ज्वाइंट रीजन ये वाला। अब इसमें साथ साथ इसने ये भी लिख दिया, तो वैल्यू देता हूँ आपको, कुछ वैल्यू देता हूँ, 25, ये 2, ये 3, ये 10, ये 4, ये 6, ये 5, ये 11, ये 15, ये 15। हाउ मैनी ऑप्शन ले लेते हैं, ए बी सी और डी, 5, 10, 15, 20। कितनी फीमेल एग्जीक्यूटिव हैं? कितनी फीमेल, फीमेल किसमें है? सर्कल में। सर्कल का कौन सा हिस्सा एग्जीक्यूटिव के साथ टच हो रहा है? एग्जीक्यूटिव ये लोग हैं। अगर मैं यहां पर अपनी डॉट रखता हूं, यहां पर जो लोग बैठे हैं क्या वो फीमेल में आते हैं? फीमेल, पूरा सर्कल फीमेल है। देखो फीमेल कौन कौन है, ये 10 लोग भी फीमेल है, ये 2 लोग भी फीमेल है, ये भी फीमेल है, ये भी फीमेल है, और ये भी फीमेल है। ये वाले फीमेल कौन से? 10। ये वाले फीमेल एमबीए हैं, क्योंकि ये बाहर वाली फिगर किसके लिए है? ये वाली फीमेल एमबीए। ये वाली फीमेल कौन से? एग्जीक्यूटिव हैं। ये वाले फीमेल कौन से? ये वाले फीमेल टेक्निकल स्टाफ है ना, देख लो इसको, ये वाले फीमेल टेक्निकल स्टाफ है, ये फीमेल नहीं है। यहां पर फीमेल सिर्फ कहां तक है, कहां हो आप? बस जितनी ज्यादा आपकी अवेयरनेस बढ़ेगी ना, उतने ही आप ठीक ठाक हो जाओगे, ठीक है? ट्रीटमेंट चल रहा है आप लोगों का, दिमाग का, और कुछ भी नहीं है, और आपको दिख नहीं रहा था यहाँ फीमेल, यहाँ तक है बस। आप यहाँ क्यों बता रहे हो? कल इतनी अच्छे से समझा रहा था कि जिसकी टेरेसरी, टेरेसरी बाउंड्री, फीमेल की बाउंड्री यहाँ तक है, तो आप इसको फीमेल नहीं बोल सकते? ये कुछ भी बोले लेकिन फीमेल नहीं है, ये चाइल्ड हो सकता है, ये मैन हो सकता है, सर नो। यहाँ पर ये क्या है? ये सिर्फ टेक्निकल स्टाफ है, क्या है? हम ये फीमेल है, ये फीमेल भी है और टेक्निकल स्टाफ भी है। ये 4 फीमेल भी हैं, एमबीए भी हैं, क्योंकि ये बाहर वाली इसमें भी आ रही है, और इस टेक्निकल स्टाफ भी है। अब बताओ ये 5 पे, 5 फीमेल है, 5 नंबर पे, 5 पे ये 5 फीमेल बैठे हैं यहां पर, क्या ये फीमेल है? सर्कल में आ रहे हैं तो फीमेल है, और एग्जीक्यूटिव भी होनी चाहिए, तो ये वाली ट्रायंगल किसके लिए? तो ट्रायंगल का सर्कल के साथ ये वाला हिस्सा ज्वाइन ज्वाइन हो रहा है, तो मतलब इसका आंसर 5 है, क्या है इसका आंसर? क्या है, क्या कहते हो? इससे ज्यादा इजी क्वेश्चन कुछ हो ही नहीं सकता, समझ में आया? हाँ जी, कोई डाउट, कोई डिफिकल्टी? कुछ स्टूडेंट्स क्लास के लिए पूछ रहे हैं, इलेक्ट्रिकल की क्लास के लिए पूछ रहे हैं, बताता हूँ आपको, 2 मिनट रुको, यहाँ तक आ जाओ, ठीक है? आ गया समझ में? अच्छा ये बताओ, अगर क्वेश्चन ये आ जाता, हाउ मैनी फीमेल्स आर, क्वेश्चन ले लो ना, हाउ मैनी फीमेल्स आर एम बी एज वेल एज
हाउ मैनी फीमेल आर एम बी एज वेल एज टेक्निकल स्टाफ, बताओ कितने फीमेल एमबीए हैं और टेक्निकल स्टाफ भी? हाँ कितनी फीमेल एमबीए हैं और टेक्निकल स्टाफ भी हैं? पहला देखना आ गया था फीमेल, पहले तो फीमेल में रहना आपको, किसमें रहना है? वो टेक्निकल स्टाफ हो, क्या हो? तो टेक्निकल फीमेल टेक्निकल स्टाफ में ये दो आ रही हैं, ये दो, क्योंकि टेक्निकल स्टाफ इसके अंदर है, तो ये दो, ये तीन और चार, ये दोनों फीमेल भी हैं और टेक्निकल स्टाफ भी हैं। लेकिन हमें एक और चीज झाड़नी है यहाँ पर, रिमूव करनी है, टेक्निकल स्टाफ के साथ, टेक्निकल स्टाफ के साथ वो एमबीए भी होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए? जैसे एमबीए वर्ड आप बोलोगे तो ये ऊपर वाला ये थ्री कट जाएगा, क्योंकि एमबीए सिर्फ इसके अंदर है, किसके अंदर बैठे हैं, क्या कहते हो? तो आंसर क्या आएगा? फोर, क्योंकि अगर आप थ्री और फोर सेवन आंसर करके करके आते हो तो उसमें क्या दिक्कत है? तो ये वाले थ्री है, ये सिर्फ क्या है, इस थ्री थ्री नंबर पे ये फीमेल भी है और टेक्निकल स्टाफ भी है। लेकिन अगर आप थ्री को काउंट देखो कि ये एमबीए तो नहीं हो सकते, क्योंकि एमबीए कहां तक है? सिर्फ एमबीए इस वाले रीजन में है, एमबीए का ये रीजन है ना, ये जो रेक्टेंगल वाली है, तो थ्री उस रीजन को कवर नहीं करता, तो सिर्फ इसका आंसर क्या आएगा? अभी तीन चीजों, यहाँ फोर जो है तीन चीजें कवर हो रही है इसमें, फीमेल में कवर हो गए हैं, टेक्निकल स्टाफ में कवर हो गए हैं, और ये फोर एमबीए में कवर हो गया। तो मुझे लगता है अब आपको इसमें, मैंने कहा ना इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, इसको लेके क्वेश्चन बन सकता है, इसको लेके, इसको लेके, इसको लेके, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 क्वेश्चन, क्या कहते हो? हाँ जी, कैसी हुई ये टाइप, समझ में आई है आपको? बताओ, तो ऑल ओवर इंडिया, मैं किसी एक पर्टिकुलर एग्जाम की बात नहीं कर रहा हूँ, एसएससी का हो, बैंक का हो, स्टेट का हो, इंजीनियरिंग का हो, ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा वेन डायग्राम का। आई होप आपको समझ में आया हो, ठीक है? किसी को कोई डाउट? जिन लोगों को क्लासेस में दिक्कत आ रही है ना, आज जिनका भी व्हाट्सएप ग्रुप है ना इलेक्ट्रिकल वाले, वो चेक करना, अब उनका अपकमिंग शेड्यूल आ जाएगा, क्या आ जाएगा? और जिन लोगों को क्लास लेनी है, डिजिटल चल रही है शायद, हाँ डिजिटल लग रही है क्लास, वो आप बता देना जैसा भी दे, ठीक है? अगर चाहिए क्लास, ठीक है, आ जाइए सर, ये रेज कर दो भाई, ठीक है भाई। जो मैं क्लास में क्वेश्चन करवाता हूँ ना, इसको नोट करना जरूरी हो जाता है कई बार, क्योंकि इस ये वो बेसिक क्वेश्चन है जिससे आप इसके बाद आपने और क्वेश्चन ट्राई करने हैं, ठीक है? चलिए, एक क्वेश्चन हो रहा है इसका, वो आप नोट कर लो,
हाँ जी, हाउ मैनी फीमेल्स आर इंजीनियर, इसका आंसर मैं नहीं करूंगा, मैं आपको 5 मिनट दूंगा सोचने के, ठीक है? सबने अपना आंसर सोच के रखना है। हाउ मैनी फीमेल आर इंजीनियर बट नॉट डॉक्टर, क्वेश्चन में कंफ्यूजन है। हाउ मैनी फीमेल, ये फिर फीमेल का क्वेश्चन आया, आर इंजीनियर, वो इंजीनियर तो है बट नॉट डॉक्टर, नहीं होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए? ऑप्शन ले लो, ए बी सी और डी, 6, 5, 4, नहीं मिला तो नन करेंगे, ठीक है? बिल्कुल बेसिक्स चल रहे हैं अभी, बिल्कुल बेसिक चीजें चल रही हैं यहां पर, ठीक है? एडवांस लेवल पे अभी भी मैं नहीं कह रहा हूँ कि ये बैच चल रहा है, एडवांस लेवल पे इसमें मैं तब मानूंगा जब आप असाइनमेंट सोल्व कर रहे होंगे, है ना? क्योंकि आप लर्निंग तो कर चुके हैं, उसको आप नेक्स्ट फेज मानिए कि अगर एक ही वीक में मैं 3-4 असाइनमेंट कराऊंगा तो वो एडवांस लेवल की क्लास हो जाएगी। ये लर्निंग है, इसमें हर एक बच्चा आए, अगर वो कल नहीं आया, परसों नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं है, बस क्लास में आके बैठे उसको समझ में आने लग जाएगा, समझा? कोई दिमाग नहीं लगाना आपकी कल की क्लास छूट गई, परसों की छूट गई, आप सीधा आ जाओ, क्लास लगाओ, इससे ज़्यादा बेसिक से नहीं हो सकता, समझ में आया? आंसर बताओ, 5 या 6? देखो आपने पहले क्या देखना है, एक एक करके देखना है, फीमेल होनी चाहिए, फीमेल कहाँ पे, कौन से उसमें, इसमें है ना? फीमेल के बाद क्या चेक करना है आपने, अभी इंजीनियर किसमें, सर्कल में। तो अब हमने इसका, इस रेक्टेंगल का जो बड़ी सी रेक्टेंगल दिख रही है, ये कुछ नहीं, जो एसी है ना, इसको उठा के ऐसे रख दो, इसको एसी को उठा के ऐसे रख दो, तो ऐसे ही दिखेगा ना आपको, इस तरह से दिखेगा। अब उठाने मत लग जाना इसी को, करके देखते हैं, मैं बता रहा हूँ आपको, ऐसे रखोगे तो ऐसे दिखेगा ना आपको। अभी रेक्टेंगल किस पिछले वाले क्वेश्चन में कैसी थी, इस तरह से थी। तो अभी हमें सर्कल का और इसका जॉइंट रीजन देखना है, क्या देखना है? तो ये अब हमारे पास पॉसिबिलिटी किस किस आंसर की बनेगी, या तो इसका आंसर 5 बनेगा, क्योंकि ये जो 2 है ना सर्कल के साथ कॉमन नहीं आ रहा है, तो या तो इसका आंसर 5 हो सकता है या 7 हो सकता है, बस यही बनेगी इसकी 5 और 7, क्योंकि बाहर तो, क्योंकि अगर ये 8 करते हो तो फिर 8 इस रेक्टेंगल से बाहर आ जाता है, तो या तो इसका आंसर 5 है या 7 है, तो उसका आंसर क्या होना चाहिए? मगर हम इसका 5 आंसर मानते हैं, क्या मानते हैं? तो 5 में क्या है, फीमेल है, और क्या ये इंजीनियर है, इंजीनियर में भी आ गई है ना, तो इसका आंसर 5 तो है ही, 7 भी ले लेते हैं, 5 और 7 12 करें क्या? लेकिन एक दिक्कत है, 7 वाले जो फीमेल्स हैं, फीमेल तो है ही, फीमेल तो है क्योंकि ये ऑलरेडी सर्कल में आ रही है, क्या है? तो 5 और 7 12 भी आंसर हो सकता था, लेकिन दिक्कत है ये वाले जो 7 फीमेल्स हैं ये डॉक्टर भी हैं, क्या है? क्योंकि ये किसमें आ रही है, इसमें, और हमें क्या बोला, नोट, तो फिर से इसका आंसर क्या आएगा, क्या आएगा? अगर यहां से नोट वर्ड हटता है, इंजीनियर, हाउ मेनी फीमेल्स आर इंजीनियर एज वेल एज, तब इसका आंसर क्या बनेगा, कितने फीमेल इंजीनियर भी हैं, इंजीनियर है, और इंजीनियर प्लस डॉक्टर ले लो, नहीं ऐसे नहीं बनेगा, ऐसे बनाओ इसको, हाउ मैनी फीमेल्स आर ओनली इंजीनियर्स, ओनली, इसका आंसर क्या होगा, इसका तो आंसर क्या होगा, 5 है ना। हाउ मैनी फीमेल्स आर इंजीनियर एज वेल एज फीमेल डॉक्टर, क्या? तो फिर इसका आंसर क्या बनेगा, नहीं तो बनेगा 7 सर्कल में भी है, 7 रेक्टेंगल में भी है, और 7 स्क्वायर में, तो इसका आंसर कितना आएगा? मेरा काम तो सिर्फ ये है आपको बताना कि आपको देखना आना चाहिए इस क्वेश्चन को, देख कैसे रहे, इसमें एंटर आप कैसे करो, समझ में आया? प्रैक्टिस है, असाइनमेंट में जितनी करोगे या यहाँ पर जितना लर्न करोगे, अगर मैपिंग हो गई क्लास की और असाइनमेंट के साथ आपकी, तो फिर क्वेश्चन कभी भी टफ नहीं होता। क्वेश्चन तभी टफ होता है जब आपको आता नहीं है, अगर आने को तो डिफिकल्ट क्वेश्चन भी अगर आपको आता है तो वो टफ उन्हीं लोगों के लिए जिनको नहीं आता है, क्या कहते हैं? ठीक है जी, कोई डाउट कोई डिफिकल्टी हो तो बताओ, तो कर लोगे ये क्वेश्चन? ठीक है जी।
एक चीज और बता दूं मैं, लास्ट के 5 to 10 मिनट्स में मेरे को रोज आपको अभी बेसिक्स वापस बताने, बेसिक्स, क्योंकि फिर से बेसिक्स कुछ मिस, उसमें आपके असाइनमेंट में मिसिंग नंबर, अल्फाबेट, कोडिंग वगैरह, डिक्शनरी वगैरह के क्वेश्चन फिर से आने हैं, तो बेसिक्स वो फाउंडेशन क्लास की तरह लेना, जिनको लगानी है वो लगा सकते हैं। उस फाउंडेशन क्लास में मुझे रोज क्या बतानी है, किसकी पोजिशन बतानी है, इनके लेकर प्रैक्टिस करवानी है, अल्फाबेट पोजिशन, क्योंकि ये बहुत कोर टॉपिक है आपका फाउंडेशन क्लास का, समझ में आया। ये रोज ही करोगे तो कमी है, क्योंकि इसके इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चन है, दो ही तरह के क्वेश्चन है, तो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है जो वेन डायग्राम से लोग्स में आते हैं, और फिर इसी तरह के क्वेश्चन है कोडिंग वाले, अल्फाबेट पोजिशन वाले, समझ में आया। बाकी अगर वेरिएशन इधर उधर से होते हैं तो वो तो क्लास आप पूरी लगा ही रहे हो, समझ में आया। तो एंड में मैं आपको एक बार फिर से बताऊंगा, रिविजन कराऊंगा इस चीज की। चलिए एक क्वेश्चन करिए, अब इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, थोड़ा मैथ का क्वेश्चन है, ठीक है, नोट करिए। टाइप टू का क्वेश्चन, टाइप कल हमने स्किप किया था, टाइप वन किया था, फिर टाइप थ्री किया था शायद, अब टाइप टू कर रहे थे, अब टाइप थ्री का वापस क्वेश्चन करते हैं। टाइप थ्री वाला क्वेश्चन परसेंटेज का क्वेश्चन है, कल किया था एक क्वेश्चन, चलिए फिर से करते हैं टाइप थ्री का, फिर से बेसिक क्वेश्चन करते हैं टाइप थ्री का, तीसरी टाइप है जो वेन डायग्राम से पूछी जाती है, ठीक है, कल भी आपने आई होप क्वेश्चन किया होगा। तो क्या हुआ भाई, एक जगह टोटल है, कुछ टोटल स्टूडेंट होंगे, कुछ होगा टोटल, और वो है कितना 500, उसके बाद वहां पर हिंदी की वैल्यू लिखी है, हिंदी की वैल्यू लिखी है 300, उसके बाद इंग्लिश की वैल्यू लिखी है 400, ठीक है, उसके बाद हिंदी एंड इंग्लिश ये लिखा है 200, नहीं ये तो निकलवा लेते, इस पे क्वेश्चन मार्क डाल लो, ओनली हिंदी निकलवा लेते आंसर, इस पे क्वेश्चन मार्क डालो, ओनली इंग्लिश इस पे क्वेश्चन मार्क डाल लेते हैं, ये H फॉर हिंदी इंग्लिश, दो ही तो हैं, तीन क्यों बनाए मैंने, इसमें एक सब्जेक्ट हिंदी एक इंग्लिश है, दो सब्जेक्ट है ना, तीन क्यों बनाए, दो ही ऑब्जेक्ट है ना, दो ही बनाएंगे, तीन ऑब्जेक्ट थोड़ी ना, सब्जेक्ट तीन और तीन बनाते हैं, ठीक है, एक हिंदी का बनेगा एक इंग्लिश का बनेगा। अच्छा ऐसा क्यों बनाया मैंने सम वाला, क्योंकि हिंदी इंग्लिश ना कॉमन आ रहा है, कहीं दिखा रहा है हिंदी इंग्लिश का पूछा इसने कुछ, तो यहां पर इसने बोला ये वाला बॉक्स हिंदी के लिए, हिंदी की वैल्यू कितनी दे रखी है, कितनी दे रखी है 500, हाँ ये वाली हिंदी है ना, और इधर इंग्लिश की वैल्यू क्या दे रखी है, इंग्लिश की 400 बच्चे इंग्लिश में पढ़ रहे हैं, हिंदी में 300 पढ़ रहे हैं, कुछ और भी दिया है, टोटल भी दिया आपको, टोटल 500 है, टोटल लिखा है, इसको यूज कर लेंगे, टोटल 500, ठीक है। स्टूडेंट मुझे ये बताओ, ध्यान से सुनना, मेरे फिंगर को देखना आप किस कहाँ पे चल रहा है, इस वाले रीजन में ये वाला रीजन किसका है, हिंदी का, हिंदी के साथ साथ इस रीजन में इंग्लिश के भी कुछ स्टूडेंट बैठे हुए हैं, क्या कहते हैं ये किस रीजन में, इसमें है ना, क्या कहते हो, तो ये वाला रीजन में हिंदी तो हिंदी का तो है ही, हिंदी का सिर्फ पता कहाँ तक है, ये ओनली हिंदी का कहाँ तक है, जैसे कि आप ये समझिए इसका हिंदी कहां तक है, ओनली हिंदी कहां तक है, यहां तक, और कट ये वाला कट है ना, और ये यहां तक अगर मैं पूरा सर्कल लगाता हूं ये वाला कंप्लीट, तो इसमें क्या हो जाता है, हिंदी भी आ रहा है इंग्लिश, बताओ आप स्टार्ट करिए, और ये वाला किसका है, इंग्लिश का, और ये जॉइंट रीजन है हिंदी और इंग्लिश का। तो पहला क्वेश्चन देख इसमें बन रहा है, बताइए आप के इसमें हिंदी और इंग्लिश का क्या वैल्यू आएगा, हिंदी प्लस इंग्लिश का, इसका पहले वाले ऑप्शन देता हूं, कोशिश करिए कल समझाया था, एक बार कल वाला क्वेश्चन चेक करो सारे बच्चे ना, उसको देख के पता चलेगा आपको,
देख लिया कल वाले क्वेश्चन, ऑप्शन दो पहले, ए बी सी डी, ठीक है, पहले यही कर लेते हैं, फिर इसका भी लेते हैं, ए बी सी डी। ये पहला क्वेश्चन है हिंदी इंग्लिश का, इसमें से निकलेंगे, इसका ओली हिंदी वाले का आंसर ले लेते हैं। और लास्ट वाले का ले लेते हैं, लास्ट वाले का ओनली इंग्लिश का, चार ऑप्शन ले लेते हैं, ठीक है। चलिए आइए क्वेश्चन, मुझे ये बताइए ये कितने लोग हैं, इसमें टोटल कितने लोग हैं, क्या लिखा हुआ है, जो दिख रहा है ये कह रहा है कि इस, ये पूरा जो सर्कल है किसके लिए, हिंदी के लिए, हिंदी प्लस इंग्लिश इसमें आ गया, लेकिन इसकी पूरी वैल्यू भी आपके पास है, कितना है, हिंदी, जिस हिंदी में कुछ लोग ये भी आ गए, अब मुझे नहीं पता वो कितने हैं, लेकिन उनको और इनको, इसको और इसको ऐड करके कितना दिखा रहे हैं, 300। ये कितने लोग हैं यहाँ पर बैठे हैं, एक बार मुझे बताइए, 300 लोग तो यहाँ पर ये बैठे हैं, कितने हैं, और 400 ये कह रहा है ये, तो आपको लगता है ये, ध्यान से देखो फिर से, ये वाला हिस्सा यहाँ पे कवर हो गया, ये वाला हिस्सा इसमें भी कवर, इसका मतलब ये दो बार काउंट कर लिया आपने, तो एक बार देख लो इसको कितनी बार काउंट, दो बार काउंट वैसे हो गए, 300 और 400 कितने हो गए, 700 बच्चे हो गए, 700 स्टूडेंट इकट्ठे हो गए, इन 700 में कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो दो बार काउंट हुए हैं, हुए कि नहीं हुए, 300 ये जो बच्चे बैठे हैं हिंदी में काउंट हो गए, अभी यहां पर बैठे, जब इंग्लिश के काउंट करने लगे तो इंग्लिश के 400 बच्चे आए, लेकिन ये अभी भी, ये वाले तो पहले भी काउंट हो गए थे, तो टोटल कितने दिख रहे हैं आपको, 700, ये एक फिगर आई है आपके पास, क्या कहते हो, 300 ये वाले स्टूडेंट, ये वाला स्टूडेंट इन 300 में भी काउंट हो गया और इन 400 में भी काउंट हो गया, तो कितने बन गए, टोटल वैल्यू 700 आ गई। ये कह रहा है कि टोटल कितने बच्चे हैं एक्चुअल में, 500, तो अगर मैं इसमें से 500 माइनस कर दूं, मान लिया, तो कितने बचेंगे, क्योंकि एक्चुअल टोटल तो 500 है, ये 200 पता कैसे फालतू हो गए, ये 200 एक्स्ट्रा क्यों आ गए, क्योंकि यहां पर कुछ स्टूडेंट ऐसे थे जो दोनों तरफ काउंट हो गए, क्या हो गए, इसलिए 500 बढ़ के कितने दिख रहे हैं आपको, एक्चुअल में तो स्टूडेंट सिर्फ 500 ही हैं, क्या कहते हो, एक स्टूडेंट है उसको आप हिंदी की क्लास में भी काउंट कर लो, इंग्लिश में भी काउंट कर लो, 7 क्लास लग रही है दिन में, तो 7 स्टूडेंट थोड़ी ना हो गए, वो एक ही तो है, उसको 7 बार काउंट करने का लॉजिक नहीं है, तो ये हमने देखा ये 700 बन रहे हैं, ये कह रहे हैं 500 है, इसका मतलब जो एक्स्ट्रा काउंट हुए वो कितने हुए, तो इसका मतलब, और जो 200 है वो 200 जो एक्स्ट्रा काउंट हुए वो पता कौन से वाले, यहां पर बैठे होंगे वो, क्योंकि यही काउंट होते हैं बार बार, यही कॉमन रीजन, तो यहां पर कितना आ गया, अब मेरी बात सब देखेंगे एक बार ध्यान से, अगर ये 200 हैं तो ये 300 हैं, तो यहां पर 100 लिख दो, अब देखो इसमें कितने बन रहे हैं, इसके अंदर 100 ये 200 ये हो गए 300, 100 ये 200 ये 300, यस और नो, कल भी कराया 300 बनाने नहीं पूरे, 100 तो यहां बैठे हैं 200, अब ये 200 इधर भी काउंट होंगे, यस और नो, ये 200 दो जगह काउंट हुए, तभी तो एक बार हमने माइनस किया, अब इधर देखो ये 400 दिख रहे हैं, इस वाले सर्कल में 400 कैसे बनेंगे बताओ, 200 तो ये बैठे हैं, 200 और भी आ जाएंगे, 200 और भी आ जाएंगे, अब करो काउंट 100, हाँ जी कितने हुए, 100 तो ये हैं, 200 ये हैं, कितने हो गए, 300, ऐसा करो फिर से करो, 100 ये हैं, 200 ये हैं, कितने हुए, 300, ठीक है, और 100 प्लस 200, और दो एक बार 200 ये काउंट करने, एक बार करने है काउंट, क्या करने है भाई, दो बार काउंट करोगे तो दो, ये 200 एक बार है ना, एक बार इन 200 को भी काउंट करो, 100 ये 200 ये 200 कितने बन गए टोटल, एक बार काउंट करो बस, तो कितने आ रहे हैं, अगर इन 500 को 200 को एक बार और काउंट कर लोगे इन 200 को, तो कितने आ जाएगा आंसर, ये क्वेश्चन एक बार नहीं, आज देखना पड़ेगा, कल देखना पड़ेगा, अगले हफ्ते देखना पड़ेगा, और अगर भूल गए तो पेपर में याद आएगा, करे तो कर तो रखे हैं क्वेश्चन ही, तो
याद नहीं आ रहा, पेपर में याद नहीं आएगा, आपको टाइमिंग बनानी पड़ेगी क्वेश्चन को करने के लिए। पर क्या ये टफ है? टफ नहीं, बस इसमें ये देखना कि बार बार काउंट हो रहा है, क्या हो रहा है। फिर से मैं बताऊंगा, ये सबसे पहले क्वेश्चन में एंटर करने का तरीका देखो, फिर से देखिए सारे स्टूडेंट, हिंदी लिखा है, इंग्लिश लिखा है, ये कह रहा है 500 है और मुझे देख के लग रहा है 300 ये, 400 ये, तो 700 हो रहे हैं। इसका मतलब तो ये हुआ कि आपके पास हमारा सम जो है 700 आ रहा है, ये 500, इसका मतलब 200 एक्स्ट्रा है, वो 200 कौन से काउंट हुए? सेंटर वाले। अगर ये 200 है, ये पूरे 300, तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा? 200 और 100 कितने हो गए? क्योंकि इसी के अंदर के 200 ये, 100 ये, इधर कितने करेंगे? 400, कितने होगा? 100 गया। तो ये जो इसका आंसर है पहले वाले का, हिंदी और इंग्लिश का, हिंदी इंग्लिश कंबाइन टोटल अगर 500 है, इसके सर्कल के अकॉर्डिंग 700 है, तो 700 माइनस 500 ज्वाइंट रीजन में 200 डाल दो, हिंदी इंग्लिश, तो हिंदी इंग्लिश का कितना आ गया? 100। ओनली हिंदी का बताइए, ओनली हिंदी, मैंने हिंदी का सिर्फ ये बनाया था, कितना आंसर है? ओनली इंग्लिश, इंग्लिश का फिर ये वाला एरिया है, सिर्फ इतना वाला, क्या कहते हो? क्या फिर से बताऊं? मुझसे तो 10 बार भी पूछोगे, 50 बार पूछोगे, मैं इसी तरह से कोशिश करता रहूंगा आपको बताने की, कि बस किसी तरह आपके दिमाग में बैठ जाएगा। भाई टफ नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूं, बस सिर्फ करने वाली बात, ठीक है? हाँ जी, समझ में आया। तो इसको कल भी कराया था मैंने, परसेंटेज की फॉर्म का मान लो, या ऐसे लिख देगा यहाँ पर टोटल स्टूडेंट, इस तरह से विदाउट परसेंटेज भी दे सकता है, परसेंटेज किस तरह कल कराया था मैंने आपको, आज विदाउट परसेंटेज करा दिया। तो इस तरह से क्वेश्चन आता है इसका, वेन डायग्राम का टॉपिक। आई होप आपको चीजें समझ में आ रही हूँ, ठीक है? कितनी फीमेल एग्जीक्यूटिव किसी पोस्ट का नाम होता है, क्या होता है? अब हो सकता है एग्जीक्यूटिव की जगह लेके आ जाए इंजीनियर, टीचर, यहाँ मेल आ सकता है, समझ में आया? तो ये पूछ रहा है फीमेल एग्जीक्यूटिव, आपके लिए इस क्वेश्चन में सिर्फ ये वर्ड है, आपने एग्जीक्यूटिव को अंडरलाइन कर लिया और फीमेल को, ये ढूंढने हैं, फीमेल होनी चाहिए और एग्जीक्यूटिव होनी चाहिए, क्या होना चाहिए? आ जाओ इसमें, ये किसके लिए है? यहां से ये सर्कल, ये स्क्वायर किसके लिए है? टेक स्टाफ, क्या है? इस स्क्वायर में जो लोग बैठे हैं वो कौन है? टेक्निकल स्टाफ से, क्या है? हम पेपर में सब कुछ सामने ही होगा आपके, आपको बस क्वेश्चन करना है, मैं सिर्फ लिख रहा हूँ चीजें, इन्फॉर्मेशन कॉपी कर रहा हूँ यहाँ से। अच्छा, ये क्या है सर्कल में, क्या है? फीमेल्स है, क्या है? फीमेल्स है। और देखो, हो गया, ये क्या है? ये MBA, और ट्रायंगल, ये कौन है? एग्जीक्यूटिव। ये देखो फीमेल एग्जीक्यूटिव कहाँ है, मतलब हमें एक तो सर्कल देखना है और ट्रायंगल देखना है, सर्कल और ट्रायंगल में हमने ये देखना है जॉइंट रीजन कौन सा है, जॉइंट रीजन ये वाला। अब इसमें साथ साथ इसने ये भी लिख दिया, तो वैल्यू देता हूँ आपको, कुछ वैल्यू देता हूँ, 25, ये 2, ये 3, ये 10, ये 4, ये 6, ये 5, ये 11, ये 15, ये 15, हाउ मैनी ऑप्शन ले लेते हैं, ए बी सी और डी, 5, 10, 15, 20, कितनी फीमेल एग्जीक्यूटिव हैं? कितनी फीमेल, फीमेल किसमें है? सर्कल में। सर्कल का कौन सा हिस्सा एग्जीक्यूटिव के साथ टच हो रहा है? एग्जीक्यूटिव ये लोग हैं। अगर मैं यहां पर अपनी डॉट रखता हूं, यहां पर जो लोग बैठे हैं, क्या वो फीमेल में आते हैं? फीमेल, पूरा सर्कल फीमेल है। देखो फीमेल कौन कौन है, ये 10 लोग भी फीमेल हैं, ये 2 लोग भी फीमेल हैं, ये भी फीमेल है, ये भी फीमेल है, और ये भी फीमेल है। ये वाले फीमेल कौन से? 10। ये वाले फीमेल MBA है, क्योंकि ये बाहर वाली फिगर किसके लिए? ये वाली फीमेल MBA। ये वाली फीमेल कौन से? एग्जीक्यूटिव्स हैं। ये वाले फीमेल कौन से? ये वाले फीमेल टेक्निकल स्टाफ है ना, देख लो इसको, ये वाले फीमेल टेक्निकल स्टाफ है, ये फीमेल नहीं है। यहां पर फीमेल सिर्फ कहां तक है? कहां हो आप?
बस जितनी ज्यादा आपकी अवेयरनेस बढ़ेगी ना उतने ही आप ठीक ठाक हो जाओगे, ठीक है। ट्रीटमेंट चल रहा है आप लोगों का दिमाग का, और कुछ भी नहीं है। और आपको दिख नहीं रहा था यहाँ फीमेल, यहाँ तक है बस, आप यहाँ क्यों बता रहे हो? कल इतनी अच्छे से समझा रहा था कि जिसकी टेरेसरी टेरेसरी बाउंड्री फीमेल की बाउंड्री यहाँ तक है, तो आप इसको फीमेल नहीं बोल सकते। ये कुछ भी हो लेकिन फीमेल नहीं है, ये चाइल्ड हो सकता है, ये मैन हो सकता है। यहाँ पर ये क्या है, ये सिर्फ टेक्निकल स्टाफ है क्या है? हम ये फीमेल है, ये फीमेल भी है और टेक्निकल स्टाफ भी, ये फोर फीमेल भी हैं, एमबीए भी हैं क्योंकि ये बाहर वाली इसमें भी आ रही है, और इस टेक्निकल स्टाफ भी हैं। अब बताओ ये फाइव पे फाइव फीमेल है, फाइव नंबर पे फाइव पे ये फाइव फीमेल बैठे हैं यहां पर, क्या ये फीमेल है? सर्कल में आ रहे हैं तो फीमेल है, और एग्जीक्यूटिव भी होनी चाहिए। तो ये वाली ट्रायंगल किसके लिए? तो ट्रायंगल का सर्कल के साथ ये वाला हिस्सा ज्वाइन ज्वाइन हो रहा है, तो मतलब इसका आंसर फाइव है। क्या है इसका आंसर? क्या है, क्या कहते हो? इससे ज्यादा इजी क्वेश्चन कुछ हो ही नहीं सकता। समझ में आया? हाँ जी, कोई डाउट कोई डिफिकल्टी? कुछ स्टूडेंट्स क्लास के लिए पूछ रहे हैं, इलेक्ट्रिकल की क्लास के लिए पूछ रहे हैं, बताता हूँ आपको, दो मिनट रुको, यहाँ तक आ जाओ, ठीक है? आ गया समझ में? अच्छा ये बताओ, अगर क्वेश्चन ये आ जाता, हाउ मैनी फीमेल्स आर, क्वेश्चन ले लो ना, हाउ मैनी फीमेल्स आर एमबीए एज वेल एज हाउ मैनी फीमेल आर एमबीए एज वेल एज टेक्निकल स्टाफ, बताओ कितने फीमेल एमबीए हैं और टेक्निकल स्टाफ भी? कितने फीमेल एमबीए हैं और टेक्निकल स्टाफ भी? पहला देखना आ गया था फीमेल, पहले तो फीमेल में रहना आपको, किसमें रहना है? वो टेक्निकल स्टाफ हो, क्या हो? तो टेक्निकल फीमेल टेक्निकल स्टाफ में ये दो आ रही हैं, ये दो, क्योंकि टेक्निकल स्टाफ इसके अंदर है, तो ये दो, ये तीन और चार, ये दोनों फीमेल भी हैं और टेक्निकल स्टाफ भी हैं। लेकिन हमें एक और चीज झाड़नी है यहाँ पर, रिमूव करनी है, टेक्निकल स्टाफ के साथ, टेक्निकल स्टाफ के साथ वो एमबीए भी होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए? जैसे ही एमबीए वर्ड आप बोलोगे तो ये ऊपर वाला ये थ्री कट जाएगा, क्योंकि एमबीए सिर्फ इसके अंदर है, किसके अंदर बैठे हैं, क्या कहते हो? तो आंसर क्या आएगा? फोर, क्योंकि अगर आप थ्री और फोर सेवन आंसर करके करके आते हो तो उसमें क्या दिक्कत है? तो ये वाले थ्री है, ये सिर्फ क्या है, थ्री नंबर पे ये फीमेल भी है और टेक्निकल स्टाफ भी है। लेकिन अगर आप थ्री को काउंट देखो कि ये एमबीए तो नहीं हो सकते, क्योंकि एमबीए कहां तक है? सिर्फ एमबीए इस वाले रीजन में, एमबीए का ये रीजन है ना, ये जो रेक्टेंगल वाली, तो थ्री उस रीजन को कवर नहीं करता, तो सिर्फ इसका आंसर क्या आएगा? अभी तीन चीजों, यहाँ फोर जो है तीन चीजें कवर हो रही है इसमें, फीमेल में कवर हो गए हैं, टेक्निकल स्टाफ में कवर हो गए हैं, और ये फोर एमबीए में कवर हो गया। तो मुझे लगता है अब आपको इसमें, मैंने कहा ना इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, इसको लेके क्वेश्चन बन सकता है, इसको लेके, इसको लेके, इसको लेके, 1 2 3 4 5 6 7 8 क्वेश्चन, क्या कहते हो? हाँ जी, कैसी हुई ये टाइप, समझ में आई है आपको? बताओ तो ऑल ओवर इंडिया, मैं किसी एक पर्टिकुलर एग्जाम की बात नहीं कर रहा हूँ, एसएससी का हो, बैंक का हो, स्टेट का हो, इंजीनियरिंग का हो, ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा वेन डायग्राम का। आई होप आपको समझ में आया हो, ठीक है?
किसी का कोई डाउट? जिन लोगों को क्लासेस में दिक्कत आ रही है ना, आज जिनका भी व्हाट्सएप ग्रुप है ना जो इलेक्ट्रिकल वाले हैं, वो चेक करना, अब उनका अपकमिंग शेड्यूल आ जाएगा। क्या जाएगा? और जिन लोगों को क्लास लेनी है, डिजिटल चल रही है? हाँ डिजिटल लग रही है क्लास, वो आप बता देना जैसा भी दे, ठीक है? अगर चाहिए क्लास, ठीक है, आ जाइए सर, ये रेज कर दो भाई। ठीक है भाई, जो मैं क्लास में क्वेश्चन करवाता हूँ ना, इसको नोट करना जरूरी हो जाता है कई बार, क्योंकि इस ये वो बेसिक क्वेश्चन है, इससे आप इसके बाद आपने और क्वेश्चन ट्राई करने हैं, ठीक है? चलिए एक क्वेश्चन और है इसका, वो आप नोट कर लो। हाँ जी, हाउ मैनी फीमेल्स आर इंजीनियर? एक इसका आंसर मैं नहीं करूँगा, मैं आपको 5 मिनट दूंगा सोचने के, ठीक है? सबने अपना आंसर सोच के रखना है। हाउ मैनी फीमेल आर इंजीनियर बट नॉट डॉक्टर? क्वेश्चन में कंफ्यूजन है, हाउ मैनी फीमेल, ये फिर फीमेल का क्वेश्चन आया, आर इंजीनियर, वो इंजीनियर तो हैं बट नॉट डॉक्टर नहीं होनी चाहिए। क्या नहीं होनी चाहिए? ऑप्शन ले लो, ए बी सी और डी, 6, 5, 4, नहीं मिला तो नन करेंगे, ठीक है? बिल्कुल बेसिक्स चल रहे हैं भाई, बिल्कुल बेसिक चीज़ें चल रही हैं यहाँ पर, ठीक है? एडवांस लेवल पे अभी भी मैं नहीं कह रहा हूँ कि ये बैच चल रहा है, एडवांस लेवल पे इसमें मैं तब मानूंगा जब आप असाइनमेंट सोल्व कर रहे होंगे, है ना? क्योंकि आप लर्निंग तो कर चुके हैं, उसको आप नेक्स्ट फेज मानिए कि अगर एक ही वीक में मैं 3-4 असाइनमेंट कराऊंगा तो वो एडवांस लेवल की क्लास हो जाएगी। ये लर्निंग है, इसमें हर एक बच्चा आए, अगर वो कल नहीं आया, परसों नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं है, बस क्लास में आके बैठे उसको समझ में आने लग जाएगा। समझा? कोई दिमाग नहीं लगाना, आपकी कल की क्लास छूट गई, परसों की छूट गई, आप सीधा आ जाओ, क्लास लगाओ, इससे ज़्यादा बेसिक से नहीं हो सकता। समझ में आया? आंसर बताओ, 5 या 6? देखो आपने पहले क्या देखना है, एक एक करके देखना है। फीमेल होनी चाहिए, फीमेल कहाँ पे, कौन से सर उसमें, इसमें है ना? फीमेल के बाद क्या चेक करना है आपने? अब इंजीनियर किसमें, सर्कल में। तो अब हमने इसका, इस रेक्टेंगल का जो बड़ी सी रेक्टेंगल दिख रही है, ये कुछ नहीं, जो एसी है ना, इसको उठा के ऐसे रख दो, इसको एसी को उठा के ऐसे रख दो, तो ऐसे ही दिखेगा ना आपको, इस तरह से दिखेगा,
अब उठाने मत लग जाना इसी को करके देखते हैं, मैं बता रहा हूँ आपको, ऐसे रखोगे तो ऐसे दिखेगा ना आपको। अभी रेक्टेंगल किस पिछले वाले क्वेश्चन में कैसी थी, इस तरह से थी। तो अभी हमें सर्कल का और इसका जॉइंट रीजन देखना, क्या देखना, तो ये अब हमारे पास पॉसिबिलिटी किस किस आंसर की बनेगी, या तो इसका आंसर 5 बनेगा क्योंकि ये जो 2 है ना सर्कल के साथ कॉमन नहीं आ रहा है, तो या तो इसका आंसर 5 हो सकता है या 7 हो सकता है, बस यही बनेगा इसकी 5 और 7, क्योंकि बाहर तो, क्योंकि अगर ये 8 करते हो तो फिर 8 इस रेक्टेंगल से बाहर आ जाता है, तो या तो इसका आंसर 5 है या 7 है, तो उसका आंसर क्या होना चाहिए, मगर हम इसका 5 आंसर मानते हैं, क्या मानते हैं, तो 5 में क्या है, फीमेल है, और क्या ये इंजीनियर है, इंजीनियर में भी आ गई है ना, तो इसका आंसर 5 तो है ही, 7 भी ले लेते हैं, 5 और 7 12 करें क्या, लेकिन एक दिक्कत है, 7 वाले जो फीमेल्स हैं, फीमेल तो है ही, फीमेल तो है क्योंकि ये ऑलरेडी सर्कल में आ रही है, क्या है, तो 5 और 7 12 भी आंसर हो सकता था, लेकिन दिक्कत है ये वाले जो 7 फीमेल्स हैं ये डॉक्टर भी हैं, क्या है, क्योंकि ये किसमें आ रही है, इसमें, और हमें क्या बोला, नोट, तो फिर तो इसका आंसर क्या आएगा, क्या आएगा, अगर यहां से नोट वर्ड हटता है, इंजीनियर्स हाउ मेनी फीमेल्स आर इंजीनियर एज वेल एज, तब इसका आंसर क्या बनेगा, कितने फीमेल इंजीनियर भी हैं, इंजीनियर हैं, और इंजीनियर प्लस डॉक्टर ले लो, नहीं ऐसे नहीं बनेगा, ऐसे बनाओ इसको, पूछूंगा हाउ मेनी फीमेल्स आर ओनली इंजीनियर्स ओनली, इसका आंसर क्या होगा, इसका तो आंसर क्या होगा 5 है ना, हाउ मेनी फीमेल्स आर इंजीनियर एज वेल एज फीमेल डॉक्टर, क्या, तो फिर इसका आंसर क्या बनेगा, नहीं तो बनेगा 7 सर्कल में भी है, 7 रेक्टेंगल में भी है, और 7 स्क्वायर में, तो इसका आंसर कितना आएगा, मेरा काम तो सिर्फ ये है आपको बताना कि आपको देखना आना चाहिए इस क्वेश्चन को, देख कैसे रहे, इसमें एंटर आप कैसे करो, समझ में, प्रैक्टिस है, असाइनमेंट में जितनी करोगे या यहाँ पर जितना लर्न करोगे, अगर मैपिंग हो गई क्लास की और असाइनमेंट के साथ आपकी, तो फिर क्वेश्चन कभी भी टफ नहीं होता, क्वेश्चन तभी टफ होता है जब आपको आता नहीं है, अगर आने को तो डिफिकल्ट क्वेश्चन भी अगर आपको आता है तो वो टफ उन्हीं लोगों के लिए जिनको नहीं आता है, क्या कहते हैं, ठीक है जी, कोई डाउट कोई डिफिकल्टी हो तो बताओ, तो कर लोगे ये क्वेश्चन, ठीक है जी, एक चीज और बता दूं मैं, लास्ट के 5 to 10 minutes में मेरे को रोज आपको अभी बेसिक्स वापस बताने, बेसिक्स क्योंकि फिर से बेसिक्स कुछ मिस, उसमें आपके असाइनमेंट में मिसिंग नंबर अल्फाबेट कोडिंग वगैरह डिक्शनरी वगैरह के क्वेश्चन फिर से आने हैं, तो बेसिक्स वो फाउंडेशन क्लास की तरह लेना, जिनको लगानी है वो लगा सकते हैं, उस फाउंडेशन क्लास में मुझे रोज क्या बतानी है, किसकी पोजीशन बतानी है, इनके लेकर प्रैक्टिस करवानी है, अल्फाबेट पोजीशन, क्योंकि ये बहुत कोर टॉपिक है आपका फाउंडेशन क्लास, समझ में आया, ये रोज ही करोगे तो कमी है, क्योंकि इसके इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चन है, दो ही तरह के क्वेश्चन है, तो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है जो वेन डायग्राम से लोग्स में आते हैं, और फिर इसी तरह के क्वेश्चन है कोडिंग वाले अल्फाबेट पोजीशन वाले, समझ में आया, बाकी अगर वेरिएशन इधर उधर से होते हैं तो वो तो क्लास आप पूरी लगा ही रहे हो, समझ में आया, तो एंड में मैं आपको एक बार फिर से बताऊंगा, रिवीजन कराऊंगा इस चीज की, चलिए एक क्वेश्चन करिए, अब इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, थोड़ा मैथ का क्वेश्चन है, ठीक है, नोट करिए, टाइप 2 का क्वेश्चन, टाइप कल हमने स्किप किया था, टाइप 1 किया था, फिर टाइप 3 किया था शायद, अब टाइप 2 कर रहे थे, अब टाइप 3 का वापस क्वेश्चन करते हैं, टाइप 3 वाला क्वेश्चन परसेंटेज का क्वेश्चन है, कल किया था एक क्वेश्चन, चलिए फिर से करते हैं टाइप 3 का, फिर से बेसिक क्वेश्चन करते हैं, टाइप 3 का तीसरी टाइप है जो वेन डायग्राम से पूछी जाती है, ठीक है, कल भी आपने आई होप क्वेश्चन किया होगा, तो क्या हुआ भाई, एक जगह टोटल है, कुछ टोटल स्टूडेंट होंगे, कुछ होगा टोटल, और वो है कितना 500, उसके बाद वहां पर हिंदी की वैल्यू लिखी है, हिंदी की वैल्यू लिखी है 300, उसके बाद इंग्लिश की वैल्यू लिखी है 400, ठीक है, उसके बाद हिंदी एंड इंग्लिश ये लिखा है 200, नहीं ये तो निकलवा लेते, इस पे क्वेश्चन मार्क डाल लो, ओनली हिंदी निकलवा लेते आंसर,
इस पे क्वेश्चन मार्क डालो, ओनली इंग्लिश इस पे क्वेश्चन मार्क डाल लेते हैं। ये H फॉर हिंदी इंग्लिश, दो ही तो हैं, तीन क्यों बनाए मैंने? इसमें एक सब्जेक्ट हिंदी एक इंग्लिश है, दो सब्जेक्ट है ना, तीन क्यों बनाए? दो ही ऑब्जेक्ट है ना, दो ही बनाएंगे, तीन ऑब्जेक्ट थोड़ी ना, सब्जेक्ट तीन और तीन बनाते हैं, ठीक है, एक हिंदी का बनेगा एक इंग्लिश का बनेगा। अच्छा ऐसा क्यों बनाया मैंने सम वाला, क्योंकि हिंदी इंग्लिश ना कॉमन आ रहा है, कहीं दिखा रहा है हिंदी इंग्लिश का पूछा है इसने कुछ, तो यहां पर इसने बोला है ये वाला बॉक्स हिंदी के लिए, हिंदी की वैल्यू कितनी दे रखी है, कितनी दे रखी है, 500, हाँ ये वाली हिंदी है ना, और इधर इंग्लिश की वैल्यू क्या दे रखी है, इंग्लिश की 400 बच्चे इंग्लिश में पढ़ रहे हैं, हिंदी में 300 पढ़ रहे हैं, कुछ और भी दिया है, टोटल भी दिया आपको, टोटल 500 है, टोटल लिखा है, इसको यूज कर लेंगे, टोटल 500, ठीक है। मुझे ये बताओ, ध्यान से सुनना, मेरे फिंगर को देखना आप, किस कहां पे चल रहा है, इस वाले रीजन में ये वाला रीजन किसका है, हिंदी का, हिंदी के साथ साथ इस रीजन में इंग्लिश के भी कुछ स्टूडेंट बैठे हुए हैं, क्या कहते हैं ये, किस रीजन में, इसमें है ना, क्या कहते हो, तो ये वाला रीजन में हिंदी तो, हिंदी का तो है ही, हिंदी का सिर्फ पता कहां तक है, ओनली हिंदी का कहां तक है, जैसे कि आप ये समझिए, इसका हिंदी कहां तक है, ओनली हिंदी कहां तक है, यहां तक, और कट ये वाला कट है ना, और ये यहां तक अगर मैं पूरा सर्कल लगाता हूं ये वाला कंप्लीट, तो इसमें क्या हो जाता है, हिंदी भी आ रहा है इंग्लिश, बताओ आप, स्टार्ट करिए, और ये वाला किसका है, इंग्लिश का, और ये जॉइंट रीजन है हिंदी और इंग्लिश का, तो पहला क्वेश्चन देख इसमें बन रहा है, बताइए आप के इसमें हिंदी और इंग्लिश का क्या वैल्यू आएगा, हिंदी प्लस इंग्लिश का, इसका पहले वाले ऑप्शन देता हूं, कोशिश करिए, कल समझाया था, एक बार कल वाला क्वेश्चन चेक करो सारे बच्चे ना, उसको देख के पता चलेगा आपको, देख लिया कल वाला क्वेश्चन, ऑप्शन दो पहले, ए बी सी डी, ठीक है, पहले यही कर लेते हैं, इसका भी लेते हैं ए बी सी डी, ये पहला क्वेश्चन है हिंदी इंग्लिश का, इसमें से निकलेंगे, इसका ओली हिंदी वाले का आंसर ले लेते हैं, और लास्ट वाले का ले लेते हैं, लास्ट वाले का ओनली इंग्लिश का, चार ऑप्शन ले लेते हैं, ठीक है, चलिए आइए क्वेश्चन, मुझे ये बताइए ये कितने लोग हैं, इसमें टोटल कितने लोग हैं, क्या लिखा हुआ है, जो दिख रहा है ये कह रहा है कि इस, ये पूरा जो सर्कल है किसके लिए, हिंदी के लिए, हिंदी प्लस इंग्लिश इसमें आ गया, लेकिन इसकी पूरी वैल्यू भी आपके पास है, कितना है, हिंदी, जिस हिंदी में कुछ लोग ये भी आ गए, अब मुझे नहीं पता वो कितने हैं, लेकिन उनको और इनको, इसको और इसको ऐड करके कितना दिखा रहे हैं, 300, ये कितने लोग हैं यहाँ पर बैठे हुए, एक बात मुझे बताइए, 300 लोग तो यहां पर ये बैठे हैं, कितने हैं, और 400 ये कह रहा है ये, तो आपको लगता है ये, ध्यान से देखो फिर से, ये वाला हिस्सा यहां पे कवर हो गया, ये वाला हिस्सा
इसमें भी काउंट, इसका मतलब ये दो बार काउंट कर लिया आपने, तो एक बार देख लो इसको कितनी बार काउंट, दो बार काउंट वैसे हो गए, 300 और 400 कितने हो गए, 700 बच्चे हो गए, 700 स्टूडेंट इकट्ठे हो गए। इन 700 में कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो दो बार काउंट हुए हैं, हुए कि नहीं हुए, 300 ये जो बच्चे बैठे हैं हिंदी में काउंट हो गए, अभी यहां पर बैठे, जब इंग्लिश के काउंट करने लगे तो इंग्लिश के 400 बच्चे आए, लेकिन ये अभी भी, ये वाले तो पहले भी काउंट हो गए थे, तो टोटल कितने दिख रहे हैं आपको, 700। ये एक फिगर आई है आपके पास, क्या कहते हो, 300 ये वाले स्टूडेंट, ये वाला स्टूडेंट इन 300 में भी काउंट हो गया और इन 400 में भी काउंट हो गया, तो कितने बन गए, टोटल वैल्यू 700 आ गई। ये कह रहा है कि टोटल कितने बच्चे हैं एक्चुअल में, 500। तो अगर मैं इसमें से 500 माइनस कर दूं, मान लिया, तो कितने बचेंगे, क्योंकि एक्चुअल टोटल तो 500 है, ये 200 पता कैसे फालतू हो गए, ये 200 एक्स्ट्रा क्यों आ गए, क्योंकि यहां पर कुछ स्टूडेंट ऐसे थे जो दोनों तरफ काउंट हो गए, क्या हो गए, इसलिए 500 बढ़ के कितने दिख रहे हैं आपको, एक्चुअल में तो स्टूडेंट सिर्फ 500 ही हैं, क्या कहते हो, एक स्टूडेंट है उसको आप हिंदी की क्लास में भी काउंट कर लो, इंग्लिश में भी काउंट कर लो, 7 क्लास लग रही है दिन में, तो 7 स्टूडेंट थोड़ी ना हो गए, वो एक ही तो है, उसको 7 बार काउंट करने का लॉजिक नहीं है। तो ये हमने देखा ये 700 बन रहे हैं, ये कह रहे हैं 500 है, इसका मतलब जो एक्स्ट्रा काउंट हुए वो कितने हुए, तो इसका मतलब, और जो 200 है वो 200 जो एक्स्ट्रा काउंट हुए वो पता कौन से वाले, यहां पर बैठे होंगे वो, क्योंकि यही काउंट होते हैं बार बार, यही कॉमन रीजन, तो यहां पर कितना आ गया, अब मेरी बात सब देखेंगे एक बार ध्यान से, अगर ये 200 है तो ये 300 है, तो यहां पर 100 लिख दो, अब देखो इसमें कितने बन रहे हैं, इसके अंदर 100 ये 200 ये हो गए 300, 100 ये 200 ये 300, यस और नो, कल भी कराया 300 बनाने नहीं पूरे, 100 तो यहां बैठे हैं, 200 अब ये 200 इधर भी काउंट होंगे, यस और नो, ये 200 दो जगह काउंट हुए, तभी तो एक बार हमने माइनस किया, अब इधर देखो ये 400 दिख रहे हैं, इस वाले सर्कल में 400 कैसे बनेंगे बताओ, 200 तो ये बैठे हैं, 200 और भी आ जाएंगे, 200 और भी आ जाएंगे, अब करो काउंट 100, हाँ जी कितने हुए, 100 तो ये है, 200 ये है, कितने हो गए, 300, ऐसा करो फिर से करो, 100 ये है, 200 ये है, कितने हुए, 300, ठीक है, और 100 प्लस 200 और दो, एक बार 200 ये काउंट करने, एक बार करने अकाउंट, क्या करने भाई, दो बार काउंट करोगे तो दो, ये 200 एक बार है ना, एक बार इन 200 को भी काउंट करो, 100 ये 200 ये 200 कितने बन गए टोटल, एक बार काउंट करो बस, तो कितने आ रहे हैं, अगर इन 500 को 200 को एक बार और काउंट कर लोगे इन 200 को, तो कितने आ जाएगा आंसर, ये क्वेश्चन एक बार नहीं, आज देखना पड़ेगा, कल देखना पड़ेगा, अगले हफ्ते देखना पड़ेगा, और अगर भूल गए तो पेपर में याद आएगा, कर तो रखे हैं क्वेश्चन ही, याद नहीं आ रहा, पेपर में याद नहीं आएगा, आपको टाइमिंग बनानी पड़ेगी क्वेश्चन को करने के लिए, पर क्या ये टफ है, टफ नहीं, बस इसमें ये देखना कि बार बार काउंट हो रहा है, क्या हो रहा है, तो फिर से मैं बताऊंगा, ये सबसे पहले क्वेश्चन में एंटर करने का तरीका देखो, फिर से देखिए सारे स्टूडेंट, हिंदी लिखा है, इंग्लिश लिखा है, ये कह रहा है 500 है, और मुझे देख के लग रहा है 300 ये, 400 ये, तो 700 हो रहे हैं, इसका मतलब तो ये हुआ कि आपके पास हमारा सम जो है 700 आ रहा है, ये 500, इसका मतलब 200 एक्स्ट्रा है, वो 200 कौन से काउंट हुए, सेंटर वाले, अगर ये 200 है, ये पूरे 300, तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा, 200 और 100 कितने हो गए, क्योंकि इसी के अंदर के 200 ये 100 ये, इधर कितने करेंगे 400, कितने होगा, 100 हो गया, तो ये जो इसका आंसर है पहले वाले का, हिंदी और इंग्लिश का, हिंदी इंग्लिश कंबाइन टोटल अगर 500 है, इसके सर्कल के अकॉर्डिंग 700 है, तो 700 माइनस 500 जॉइंट रीजन में 200 डाल दो, हिंदी इंग्लिश, तो हिंदी इंग्लिश का कितना आ गया 100, ओनली हिंदी का बताइए, ओनली हिंदी, मैंने हिंदी का सिर्फ ये बनाया था, कितना आंसर है, ओनली इंग्लिश, इंग्लिश का फिर ये वाला एरिया है, सिर्फ इतना वाला, क्या कहते हो, क्या फिर से बताऊं, देखो मुझसे तो 10 बार भी पूछोगे, 50 बार पूछोगे, मैं इसी तरह से कोशिश करता रहूंगा आपको बताने की, कि बस किसी तरह आपके दिमाग में बैठ जाएगा, भाई टफ नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, बस सिर्फ करने वाली बात, ठीक है, हाँ जी समझ में आया, तो इसको इसको
कल निकलाया था मैंने, परसेंटेज की फॉर्म का मान लो या ऐसे लिख देगा यहाँ पर टोटल स्टूडेंट, इस तरह से विदाउट परसेंटेज भी दे सकता है, परसेंटेज किस तरह कल कराया था मैंने आपको, आज विदाउट परसेंटेज करा दिया, तो इस तरह से क्वेश्चन आता है किसका, वेन डायग्राम का टॉपिक। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही हूँ, ठीक है।